संगत गुरु नानक वाली संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली छोलिया पर जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली छोलिया पर जी जरूर नानक वाली कोई जावे ना खाली छोलिया पर जो तेरे दर ते आवे मंगिया मुरादा पावे रहमता करियो जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मंगिया मुरादा पावे रहमता करियो जी मिलिया है मौका करमाना संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली चोलिया पर जी जरूर गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली चोलिया पर जी सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु धन वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलिया पर जी जरूर गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली चोलिया पर जी जरूर मिलिया है मौका करमाना मिलिया है मौका करमाना मिलिया मुरादा पावे रहमता करियो जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मंगिया मुरादा पावे रहमता करियो जी सब तो उच्चा आसन तेरा तू सब दा सिरताज सब तो कर दे सब अवतार तेरी उस्तत कर दे सब अवतार तेरी उस्तत कर दे तू सब दा सिरताज सब दा सिरताज रहमता करियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जावे सारी संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली रहमता करियो जी मिलिया है मौका करमाना मिलिया है मौका करमाना
दिया मुरादा पावे रहमता करो जी हजूर आवे मंगिया मुरादा पावे रहमता करो जी हजूर। धन बाबा आनंद सिंह जी जिन्हां दी 77वीं बरसी की याद विच जुड़े हुए हैं, सात संगत आओ एक बार फतेह सांझी करिए, कोई भी रसना वांझी ना रवे, दोए कर जोड़ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर दुनिया दे विच विचरदा है, दास बेनती कर रहा है, देखण विच बगले का रंग भी सफेद है ते वेखण विच हंस का रंग भी सफेद है, वेखण विच चूना जड़ा वो भी वाइट है सफेद है ते वेखण विच बूरा खंड जड़ी हुंदी है चीनी का पाउडर है वो भी सफेद है। वो खंड ते चूने नू वेखण वाला नहीं अंदाजा ला सकता भी केड़ी खंड है ते केड़ा चूना है, ओदा उदों ही पता लगूगा जदों जीव नाल चखांगे उनू। आखो सतना भाई गुरदास जी कहंदे देखण विच पित्तल भी ऐदां लशकाया पिया हुंदा है, भुलेखा लगता भी सोना लगता, सोना तो नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं हुंदी, खिमा करियो। देखण विच पित्तल भी पीला, देखण विच सोना भी पीला, पर जदों पारख करदा ना कोई, पारखो नूं पता लगता भी यह फर्क बहुत बड़ा है इहदे विच। आखो सतना। फिर वेखण विच कोयल जिहड़ी वो भी काली ते वेखण विच कां भी काला, पर जदों दोवें बोलदे है कां बोलदा है वो भी दिस जांदा है ते जदों कोयल बोलदी है वो भी दिसदी है। वेखण विच तां दोवें काले ने पर फर्क आवाज तों लग जांदा है। ते अखीर च भाई गुरदास जी कहंदे वेखण विच साद भी ओहो जे ते असाद भी ओहो जे। आखो सतना। तुसी चोलियां तों ते पग्गां तों अंदाजा नहीं ला सकदे, चोलियां नाल तां सब नूं ही लगदा भी इह भी साद है इह भी साद है, ते भाई गुरदास जी कहंदे है उन्हां दी करम करतूतां उन्हां दे लक्षण बयान कर दिंदे आ वी इह साध है कि असाध है। आखो सतना। उन्हां दीआं एक्टिविटीज दसदियां ने इह साध है कि असाध है। साध संगत जैसे चूनो खांड स्वैत एक से दिखाई देत, पाइए त स्वाद रस रसना के चाखिए, जैसे पीत बर्न ही हेम अर पीतर है, जानिए महत पारखद अग राखिए, जैसे कौआ कोकिला है दोनों खग स्वाम तन, बूझिए अशुभ शुभ शब्द सो भाखी है, तैसे ही असाद साध चेहन के समान होत। चक्कर चरण तो साध दे भी ओह जे होणगे ते असाध दे भी, पर कहंदे करनी करतूत लग लक्षण कै लाखी है। उन्हां दियां करतूतां बयान करदियां ने कि ये असाद ने ते उन्हां दे लक्षण दसदे ने कि ये साध ने। आखो सतना। हुण साध दी निशानी की है, साध दी निशानी की है? कहंदे साध नाम निर्मल तां के करम, जिदे कर्म निर्मल है ओनू ही साध कहिंदे ने, जेड़ा अंदरों बाहरों निर्मल है ओही खालसा है, जेड़ा निर्मल है ओही संत है। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल,
जेड़ा अंदरों बाहरों निर्मल है ओनू ही ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। कहिंदे इन्ना निर्मल है, ओही सिख दी परिभाषा, ओही खालसे दी परिभाषा, ओही संत दी परिभाषा, ओही ब्रह्म ज्ञानी दी परिभाषा, ओही गुरसिख दे लई बाणी कह रही है निर्मल होण वास्ते। ते बाबा नंद सिंह जी दे चरणा च आए हां। चरण तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे हन, पर बाबा नंद सिंह जी दी बरसी दा सबब है। देशां विदेशां च बैठियां संगतां नीर वहा रही उतावलियां ने कि किन्ना चंगा होंदा जे पिछलियां समागम पिछलियां बरसियां दी तरह असी ऐतकी भी आउंदे। पर एक बेनती दास इत्थे करे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पिता आनंदां दी पूरी बराजदे ने, ते कहिंदे 12 पहरेदार उन्हां दा पहरा ला रहे आ, ते जिन्हां विचों अद्धियां ने सोचिया ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਨੱਚਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਤਾਂ ਜਕਾਂ ਤਕਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਰਾਸ ਵੇਖਣ, ਤੇ 6 ਜਣੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਆ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 6 ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਸ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜਨ, ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਣੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਸ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ,
जय जयकार उनादी हो जिन्ना ने तेरा नाम जपिया। जय जयकार भाई सारे जय जयकार जिन्ना ने तेरा बाबा की काल खाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।